आपको पता है दिल्ली फाइल पहुंच चुकी है, किसी महीने बैठक होने हैं, जल्दी बैठक होकर हफ्ते पंद्रह दिन बैठे हो के निस्तारित होकर काम सारा हो जाएगा। परेशान आप जनता बैठ के परेशान हो रही है, यहाँ से तो दिक्कत तो नहीं है, बट ऐसा बैठने से कुछ काम जल्दी बढ़ रहा हो अलग बात होती है। एक्चुअली ये होता है, संज्ञान में रहता आदमी है, आदमी बस्ते ठंडे बस्ते में जला जाता है, इसका आप भुगत चुके हैं ना ठंडे बस्ते में, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप उसका देखिए, आप उसका फाइल भेज दो, फाइल नहीं रहे ना, डेट आप देखो 22 मई 2022 ऐसे चले। आप इतना बता दीजिए काम क्यों नहीं उसके आपत्ति का निराकरण करके वापस से लेटर दिया है। ये अगस्त में 29 अगस्त चुनाव चला गया है, इस महीने बैठक होगी हफ्ते भर में, उस बैठक में सारे बिंदु हमने उनसे इन्फॉर्मली चेक करा लिए, अब कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो बैठक होगी, उस बैठक के दिन उसके दिन से काम चलेगा। डेट तो फिक्स नहीं है ना, डेट फिक्स नहीं है ना, मतलब वो महीने में बैठक होती है, डेट ऐसे नहीं मिलती है। सबने कह दिया है और जहाँ पहुँचना लेटर पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच भी गया है, इनसे बात भी हो गई है, उन्होंने मौखिक वो भी कर दिया है आश्वासन कि ये हो जाएगा, इसमें अब कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ ये लेटर तो गया था, इससे कुछ आपत्ति नहीं हुई थी, उसका जवाब भेज के यहाँ से जवाब हमने भेज, उसके बाद अब कोई वहाँ से आपत्ति नहीं है, ये उन्होंने आश्वासन दिया था। तो ये आपको ही लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप बैठना चाहें धरना देना चाहें उससे कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई वहाँ पे बैठक जल्दी नहीं हो रही है, बैठक जब होगी तो उनसे ही उन्होंने कह दिया अब इसमें और हमारे तरफ से कोई कार्रवाई बची नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम लोगों का एक है ये आप लोगों को याददाश्त के लिए कि आप कार्य और तेज से करें। अब हमारा कार्य हमें करना ही नहीं है ना, कार्य तो यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँच चुका है, जहाँ कार्य होना वहाँ पहुँच चुका है, हमारे जैसे मेरे ऑफिस में फाइल लड़की तो बता दो तो ठीक है, मेरे ऑफिस में नहीं है, लखनऊ में फाइल नहीं है, दिल्ली में समझ रहा हूँ आपकी परेशानी है, आप समझ रहे, आप बात समझिए कि जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए, जहां आवाज जानी चाहिए, जो चिंतित होना चाहिए वो चिंतित है। नहीं चिंतित होता तो काम हो जाता, आप एक नंबर गायक हैं, 19 से काम है, 19 से वापिस गया मशीन, आप समझिए ना, आज कोई दो एक साल दो एक दिन या दो एक साल का टाइम नहीं है, 19 से ऐसा कोई प्राइस हम लोगों ने बाकी नहीं रखा जो हम लोगों ने कहीं पे भी प्राइस छोड़, लास्ट ऑप्शन हम लोगों के सामने यही दिखा, अब तो ऑप्शन बचे नहीं। ये तो आपके धरना करने से वहाँ बात पहुँच तो गई, हाँ पहुँच गई, अब काम चालू तो हो, काम भी चालू हो जाएगा, क्योंकि आप भी देखिए सर, आप भी इसमें थोड़ा सा आपको भी संज्ञान मिलेगा, डेट कब देखिए ऐसा है उस क्योंकि जो बैठक होनी है वो माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो समय उनको जब मिलता है तभी तुरंत मिलता है, वो बैठक का बिंदु तैयार करके रखते हैं, फाइल तैयार करते हैं, जितना में जाता है उतने, बट वो इस महीने में होनी है, ठीक है, जिस दिन होगी उस बैठक का वो अप्रूव हो चलता है। रात को 12 बजे हाईकोर्ट खुल सकता है, अनिश्चित प्रधानमंत्री तत्काल संसद बैठा सकता है कि हम क्षेत्र को बचाने के लिए इतना कम नहीं कर सकते। बात करें मुझसे दिल्ली का राजस्व को बात की भी है ऑलरेडी, माननीय मंत्री जी ने बात की है, माननीय मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बात की है, अगर माननीय मंत्री ने केंद्रीय मंत्री जी को बुलाया तो उसका असर तो पड़ेगा, बैठक जल्दी होगी उसका, अब उनके बाद से उन्होंने क्या अब कैटक कल होगी परसों होगी, मैं आपको नहीं कर सकता, माननीय केंद्रीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी को बताया, क्योंकि बैठक ऐसे नहीं है कि कोई बहुत छोटी स्तर की बैठक है, बड़े स्तर की बैठक है ना, तो उसका समय में आपको ये नहीं लगता कि अब मैं बोल दूँ कि कल होगी, और ये है कि बैठक इन्हीं 10 मिनट में प्रस्तावित है। अभी तो मतलब आगे का जो चक्का जाम का फाइबर था जो डीएम कोर्ट में था उसको हम लोगों ने बैठ कर दिया, अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से यही चलेगा। मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, ये स्थिति है
जो प्रयास होना था वो हो चुका है, जहां तक पहुंच चुका है, अब इसका वो औचित्य नहीं बचता है। अगर कुछ काम अटका होता जहां पे दबाव डालना होता तो मैं कहता आप करिए, वहां जाके करिए, मुझे काम आगे बढ़े, अब हो चुका है तब करने की कोई आवश्यकता बचती नहीं। हम तो सर भुगत चुके ना, इसलिए हम लोग का भरोसा नहीं रहता वास्तविक स्थिति जो बताओ सर। मैं पॉइंट हमारा इन सब बातों से अब दिल हो चुका है, हम लोग हर चांस से सुन रहे हैं। हम कहाँ ले गए सर, लखनऊ गए, दिल्ली गए, आपके पास गए, बताइए सर ऐसे कौन से दफ्तर बाकी है जो हम लोग गए नहीं। हम लोग का खाली हाँ हो जाएगा, आपका काम प्रगति पे, यही सब लोग का हो रहा, हम लोग वही संतरा लेके चले रहे, वो क्या रहा कुछ नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं ना फाइल को संभाल के इसलिए रखते हैं, आज की फाइल नहीं, और ये कोई छोटी मोटी खेत तो है नहीं इसमें। आप लोग कहते हैं कि आज फोन से राशि फोन बातचीत करते तो सुनते तो जरूर हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं। बात नहीं, अभी तहसीलदार साहब 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 मेरी बात हुआ था, मेरी बात सर भरना तो ये तभी खत्म होगा जब हमारा मशीन काम चालू हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग मशीन आ जाए मशीन की। तो आप देखिए सर, आप कॉन्फिडेंस है कि इसी महीने में हो जाएगा काम, आप पूरा कॉन्फिडेंस है, आप इसी महीने में आपका एक हफ्ते का मशीन ला देंगे सर, एक हफ्ते मशीन हमें लानी किसी को लानी पर पास उनको कह दीजिए आप कि हमारा काम एक कर सर। हम लोग के सामने एक सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो लोग भी बाणखंड वाले यहाँ पे एक दो महीने से काम कर रहे हैं उनको ये पूरी जानकारी होगी कि एक ही साल में कितनी दूरी की कटाई हुई है, और किसी कारणवश इत्तेफाक जिसकी गारंटी भी दे पा रहे हैं, यदि एक भी सीजन बीत जाता है तो हमारा काम नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो सर हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ पे आज ये जमीन हमारे पैर नीचे नहीं रहेगी। अब बताइए हम लोग, हमारी अंदेशा है, और ये जो इससे पिछले चार सालों से जो काम हो रहा है, जो हमारा अंदेशा था, हम लोग बार बार ठोकर लगा रहे हैं, जो अंदेशा हमारा था हमारे साथ वही परिणाम हुआ, और इसी का परिणाम है ये 200 एकड़ जमीन कट गई सर। ये सबका अंदेशा था, यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है सबका अंदेशा था पहले से, अगर जंगल खत्म हुई तो ये जमीन जो हमारी फसलों वाली है वो बिल्कुल रेत की तरह कट जाएगी, और वही हुआ हमारे साथ। और आने वाले साल में अगर एक सीजन भी हमारा किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया काम, इसीलिए सर हम लोग मजबूर हैं, विवश है, आप लोग हमारा कॉपरेट कीजिए, हम संघर्ष में साथ दीजिए, उन्हीं के बातों को इतना हमारा किया सर। मैं जिला अधिकारी अफसर है, उनकी बातों मानना सुननी है, उन्हीं की बातों का आंदोलन हमने खत्म कर दिया था पिछला, आप देखिए उनको पोस्टिंग करके दूसरे जगह, आप बताइए आज इसका परिणाम हम लोग को दिया चले गए हैं। ये नहीं है कि जो अभी रवि लक्ष्मण साहब है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी अभी मैं पत्र दिखा दूंगा आपको, उनका भी पत्र दिखा दूंगा, उन्होंने भी हमारे प्रमुख सचिव को लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, हम भी पत्र लिखते हैं। देखिए सर हमें पत्रचार से लाभ नहीं हो रहा है, उसमें कार्य से मतलब है, अब तो सेंसेशन सर जो है ना नाक से ऊपर हो गया, पानी जो है नाक से ऊपर आ गया, इस बार ये नवा बार पानी आया कल सर, आप आए थे ना सर, बताइए सर फिजिकली काम चाहिए, धरातल पे काम चाहिए, एक ही रिक्वेस्ट है काम जो धरातल पे हो फिजिकली, हमें अब आदेश अगर कागज भी आ जाएंगे ना सर तो भी उस कागज का हम क्या करेंगे सर बताइए। आप मान लीजिए कि एनओसी आदेश आ गया नहीं, एक एक बल के लिए जैसे हम पब्लिक हैं, हम पब्लिक हैं, हम किसान हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पे काम करनी है, मैं भी मानता हूँ, हम भी उसी कोशिश में लगे हैं कि काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं, और जिस लेवल पे मतलब प्रदेश में वन का जो माननीय वन मंत्री है उन्होंने माननीय केंद्र मंत्री से बात की, उन्होंने बता दिया, जो अधिकारी है उनसे हमने बात कर ली, उन्होंने कह दिया कि आपकी फाइल क्लियर है, जितनी भी उससे ज्यादा हम और प्रयास क्या कर सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए ये सर, ये कर दीजिए, आपका कॉर्पोरेट तो सारा नहीं है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं अगर आप हमें कह दीजिए सर ये और कर दीजिए तो हम वो कर दीजिए, अब ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं पूरी उस समिति को बिठा के अपने बैठ के साइन करके जाओ, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं अनुरोध नहीं कर सकता हूँ, मैंने हाईएस्ट लेवल से अनुरोध किया है और अनुरोध करवाया,
हमारे मंत्री जी ने अनुरोध किया, विधायक जी ने अनुरोध किया है, सांसद जी ने भी अनुरोध किया है, सब ने अनुरोध किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बैठक लीजिए और हमारे स्तर का कोई कार्यवाही नहीं।